मैं जो है लगभग 9 दिन से धरने पे हूँ और आज तीसरा दिन है मेरे आमरण अनशन का। प्रशासन द्वारा या शिक्षा विभाग द्वारा किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, जबकि मेरी मांग बिल्कुल जायज़ है। अवैधानिक तरीके से जो है वही मई 2018 से मेरे वेतन को मेरे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्रीनगर अजमेर द्वारा रोक लिया गया है और वो क्या दुर्भावनावश रोका गया है। अब वो क्या चाहते हैं ये उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन अनावश्यक रूप से दूसरों को जो है भ्रमित करते रहते हैं, जबकि सीधे मुझसे जो है ना कोई बात भी नहीं करते, ना ही मुझे मेरे पत्रों का जवाब देते हैं। ऐसी स्थिति में मैं यहाँ पर अनशन पर हूँ। कलेक्टर साहब ने भी मिले? नहीं, कलेक्टर साहब को मैंने आज के मतलब काफ़ी दिन पहले भी जो है मैंने ज्ञापन जो है प्रेषित किया था और उसका मुझे कोई जवाब नहीं आया। जब मैं 4 तारीख को धरने पर बैठा तब भी मैंने इनको जो है ज्ञापन जो है प्रेषित किया था और उसके बाद में धरना मेरा चलता रहा। जब मैंने आमरण अनशन का सूचना दी वो भी मैंने इनको ज्ञापन जो है प्रेषित किया था। उसके बाद में जिस दिन मैं आमरण अनशन पर बैठा उस दिन भी मैंने इनको ज्ञापन जो है प्रेषित किया था और सभी ज्ञापन, ये सच है कि सभी ज्ञापन उनके पास में जाते ही हैं, लेकिन क्या मेरी थोड़ी सी ये थी कि मेरे क्या शरीर, मेरा क्या गर्दन वगैरह हिलती है, मुझे बात करने में कभी कभी असुविधा होती है, इसलिए मैं अधिकारी के पास जा नहीं पाया। लेकिन फिर भी मेरे सभी ज्ञापन जिला कलेक्टर को मिले ही होंगे क्योंकि मैंने जिला कलेक्टर को संबोधित करते ही वो सारे के सारे ज्ञापन लिखे गए थे। मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी श्रीनगर अजमेर।